क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी। अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दैट इज C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब आप देखिए, आपको पता है ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, C5H10, ठीक है ना। C5H10 अगर हम देखें, फॉर्मूला है CnH2n का। जो हमारा CnH2n फॉर्मूला होता है वो दो तरह के हाइड्रोकार्बन का होता है, एक तो हमने लिखा एल्कीन का और दूसरा हमने डिस्कस किया दैट इज साइक्लो एल्केन का। क्लियर है? आपको पता है इन द ब्राइट सनलाइट जितने भी एल्केन्स होते हैं वो हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं, मींस एडिशन ऑफ हैलोजन होगा। यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है C5H9Cl, तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा C5H10 वो साइक्लो डेरिवेटिव होगा। कौन सा होगा? साइक्लो डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, इसकी रिएक्शन प्रोसीड करके दिखानी है कि हमने देखा जो हमारा साइक्लो डेरिवेटिव है 5 कार्बन का, जिसको हम बोल रहे हैं साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मोनो क्लोरो साइक्लोपेंटेन, और सिंपली हम इसको कहते हैं क्लोरो साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? बट वहीं डार्क में कोई क्लोरीनेशन नहीं होता, देयर इज नो रिएक्शन, तो इसका मतलब जो हमारा C5H10 है वो है साइक्लोपेंटेन। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर?